हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। दोस्तों, मैं शिवम हाजिर हो चुका हूँ आप सबके लिए मैथमेटिक्स की क्लास को लेकर। आज हम लोग फिर से मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर आए हैं और आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे खूब अच्छे से। यहाँ पर मैंने 10 प्रश्न खूब बढ़िया बढ़िया अच्छे सवालों को लेकर आया हूँ और इन सबको आज लगाएंगे और कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ कुछ जानकारी दूंगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो में क्लियरिटी ना दिख रही हो तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। हम लोग यहाँ से वीडियो जो प्रोवाइड करते हैं वो सही क्वालिटी की रहती है। आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, सब कुछ सही दिखेगा। चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर क्लास में लिखा है, पहला प्रश्न आपके सामने है, 17 सही 1/7 है, माइनस में 19 सही 2/14 लिखा गया, प्लस में 2 सही 1/7 है, प्लस में 11 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क का जो मान निकालना है, मतलब पूरा हल करके जो भी इस सवाल में उत्तर आएगा उसको हम लोग को निकालना है। चलिए करते हैं काम, हम लोग हल करेंगे सवाल को। यहाँ पे जैसे अगर थोड़ी सी मैंने जगह यहाँ बचा रखा है, यहीं पे इन सवालों को हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ जैसे क्या लिखा है, 17 सही 1/7 है। कुछ चीजों को शॉर्ट में करके लगाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर इसको हल करने का जो तरीका होता है सही में, तो उसको हम यहाँ पे मानेंगे। अब आपको एक बार लगा के उतार के दिखाता हूँ सवाल ही। 17 सही 1/7 होगा, माइनस में क्या है, 19 है। और एक बात और बताएं, यहाँ पे जो 2/14 है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 कम 2 1 बार जाएगा और 14 का 7 हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। और फिर यहाँ पे प्लस में 2 सही 1/7 लिखा है, प्लस में 11 लिखा गया है। अब आपको बताएं तो यहाँ पर जो पूर्णांक संख्याएं हैं इन सबको अलग से जोड़ सकते हैं और साथ में क्या हो सकता है, जो हमारे पास भिन्न संख्या है उसको हम अलग कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ, ऐसे यहाँ 17 लिखा है, ये अलग हो जाएगा, माइनस में 19 है इसको भी अलग कर लेंगे, प्लस में 2 है ये भी अलग हो जाएगा। यहाँ प्लस में क्या था, 11 भी एक पूर्णांक संख्या थी, यहाँ पे इतना लिख देंगे। और प्लस में क्या लिखा जाएगा, प्लस में यहाँ 1/7 था, 1/7 अलग हो जाएगा, माइनस लिखा था ना, माइनस 1/7 अलग हो जाएगा। और यहाँ पे 2 सही 1/7 था, 2 तुम बाहर ले चुके हैं, 1/7 और बचेगा, प्लस में 1/7 ऐसे अलग करके लिख देंगे। इतना हम लोग कर सकते हैं, मतलब पूर्णांक संख्याओं को अलग और यहाँ भिन्न संख्याओं को अलग हम जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, जो भी रहा होगा संबंध बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इससे कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा, 17 2 19 से 19 घट के 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 11, प्लस में यहाँ क्या बचा, 1/7। इसका मतलब क्या होगा, 11 सही 1/7 होगा सवाल का सही उत्तर। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा क्या, 11 सही 1/7 ऑप्शन है क्या, हमें तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन नवाबदीस का होगा, उसको हम लगा देंगे। ऐसे कुछ लगाते हैं सवाल को, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा। अगर आपको मैं बताऊं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सबके लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे सेकंड को आप लोग होमवर्क में, यहाँ पे होमवर्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग अभी करोगे, यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर या फिर मतलब जो भी आपको सही लगे वीडियो को पॉज कीजिएगा, सवाल को हल करेंगे और अपने उत्तर को आप कमेंट में कीजिएगा। आपका कौन सा आंसर आने वाला है उसको आप कमेंट बताओगे कि आपका पहला दूसरा तीसरे चौथे में से कौन सा ऑप्शन आपका आता है। फिलहाल बढ़ेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर भी आप एक बात को ध्यान देंगे, कुछ खास नहीं, मतलब हर के मान को यहाँ पर मतलब पूर्णांक संख्याओं को अलग हल कर लीजिएगा और भिन्न को अलग हल करके ऐसे बना सकते हैं आप, या फिर जैसे भी आप करोगे सब सही होगा, ठीक। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर कौन सा है, 3 पर। प्रश्न नंबर 3 को लगाइएगा, उसको हम समझते हैं सिद्ध से। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 जो है वो यहाँ वर्गमूल से संबंध में है ना, यहाँ पे वर्गमूल भी लगा है, घनमूल का भी चिन्ह लगा है। मैं क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ और फिर ये कुछ क्या होने वाला है। लिखा है कि क्या, यहाँ 484 लिखा गया, रूट के अंदर स्क्वायर रूट है बटा में 20 है, गुणा लगा है 676 है स्क्वायर रूट बटा में 7 है, यहाँ क्यूब रूट लगा है 343 है बटा में 22 है। तो आपको यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाऊंगा फिर से। अभी वर्गमूल, किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे आपको ज्ञान, आपको अगर अगर 484 676 का पता है वर्गमूल, बड़ी अच्छी बात है। नहीं पता है तो कैसे सीखेंगे निकालना, वो अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 484 का वर्गमूल बगल में कर रहा हूँ, 484 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे,
वर्गमूल निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा, जैसे 484 लिखा गया है, इकाई का मान क्या है? 4 है। इकाई का जो मान है वो 4 है, तो 4 किस संख्या के वर्ग की इकाई है? तो यहाँ पर 4 को ढूंढना पड़ेगा, 4 किसकी इकाई हो जाएगी? तो देखिए, 2 का इकाई, 2 का वर्ग कर दीजिएगा 4 आएगा, तो उसकी इकाई 4 बना देगा। ये तो 8 का वर्ग करेंगे 64 होता है, उसकी इकाई क्या होती है? 4 होती है। तो इकाई का जो उत्तर आएगा आपके इसके वर्ग के लिए, वर्गमूल के लिए, उसका या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ऐसे हम फाइंड कर चुके हैं, एक अंग छोड़ देंगे, बचा क्या होगा? 1 4 बचा। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। यहाँ पे या तो आपका उत्तर होगा 22 या तो आपका होगा उत्तर 28 होगा। तो आप इतना जान सकते हैं। अगर दूसरी बात यह होगा तो 22 है कि 28, इसमें भी कंफ्यूजन न हो, इससे पहले क्या करेंगे, आपको इनके बीच का कोई नंबर, ऐसे हम 25 ले लेंगे। 25 का वर्ग हमको ऑलरेडी याद होता है, फिर हम निकाल सकते हैं आसानी से। 25 का वर्ग क्या होगा? 25 का 625 होता है। तो 625 देखिए, अगर ज्यादा होगा तो 28 की ओर बढ़ेंगे, कम होगा तो 22 की ओर जाएंगे। वैसे कम है तो इसका मतलब 22 इसका उत्तर होगा। यहाँ पर जो 484 लिखा गया है, इसका वर्गमूल 22 होगा, बटा में आप कर दीजिएगा 20, ठीक है, गुणा में। और यहाँ पे फिर से क्या है, 676 है। ये कितने का हो जाएगा? वैसे अगर यहाँ पर देखिए, 625 किसका होता है? यहाँ पर वो होता है, 625 कितने का है, मतलब 25 का है। तो 625 से ज्यादा है, इसका मतलब 26 की हो जाएंगे। किसका वर्ग होगा? 26 का वर्ग होगा, 26 का वर्ग होगा, ठीक है। 26 बटा में कितना लिखा गया? 7 लिखा गया। आराम से इसको हल कर दीजिएगा। गुणा क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए, 343 का क्यूब रूट निकालना है। 343 किसका घन है, मतलब बताए तो कहेंगे 7 का। 7 सत्य 49, सत्य 343 होता है, और इसलिए क्या होगा यहाँ पे, 343 का घनमूल क्या होगा? 7 होगा, वो लिख दीजिएगा। गुणा बटा में 22 लिखा है, इसी को हल करते हैं। देखिएगा, 22 से 22 कैंसिल, कहानी खत्म। इससे कट जाएगा और आएगा तो 2 से 13 बढ़ जाएगा, 2 से 2 दहम 20 हो जाएगा ना, इतना हुआ बराबर 13 बटा में 10 हो जाएगा। इतना कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा, हम कह देंगे सही है। फिलहाल यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ और होगा क्या? अभी हम लोग कुछ गलत कर रहे होंगे, हो सकता है। मैं चेक करता हूँ फिर से, देखिएगा थोड़ी देर। नहीं, हम लोग ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल भी जो भी है, जिस जो सवाल दी गई उसके अनुसार हम लोग बिल्कुल सही किए हैं, अभी तक हम लोग एकदम सही हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/10 होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा, मतलब कह सकते हैं 1.3। 1.3 सवाल का उत्तर होगा। अब आप सोचिए, 1.3 कहीं कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? देखते हैं, 1.3 कहीं मिल तो नहीं रहा, इसका मतलब क्या होगा, नन ऑफ दीज आपका जो चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। यहाँ पर ये हम लोग करेंगे, ठीक है। फिलहाल बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर कौन से, प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा गया है, इसको पहले इरेज कर दे, फिर प्रश्न नंबर 4 को हल करने के लिए जगह बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में हम लोगों को चर्चा करना है कि 3200 रुपए का 24% जो होगा वो यहाँ पे कितना परसेंट होगा, 4624 का, ठीक है। यहाँ पे जोड़ना है वैसे, कितना परसेंट का, यहाँ एक्स का मान निकाल के निकाला है, परसेंटेज में नहीं है फिलहाल। चलिए लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा है 3200 है, ठीक है, का मतलब गुणा कर देंगे। यहाँ 24% का मतलब 24 बटा में क्या होगा, 100 होगा। क्लियर हुआ इतना सा? इसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स रख सकते हैं, प्लस में कितना रखा जाएगा, यहाँ पे 4624 लिखा गया। 4624 किसका वर्ग है, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, 4624 होगा, ठीक है। 4 किसका इकाई होता है? 4 किसके वर्ग की इकाई होगा, तो 2 का होगा, तो फिर 8 का होगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाएंगे। आगे फिर एक अंग छोड़ दीजिएगा, बचा कितना, 46। 46 किसका वर्ग है, किसके वर्ग के करीब होगा? देखिए, 5 का, 6 का, 6 6 6 6, 7 7 49, 7 का ले जाओगे तो ज्यादा हो जा रहा है, 49 होगा, 7 से पहले क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे तो उत्तर आएगा 62, या तो होगा 68। इसको भी चेक करना, तो आप 65 का निकाल लेंगे वर्गमूल, 65 के लिए क्या होगा, 5 का वर्ग 25 कहते हैं, 6 के बाद क्या होगा, 7 7 6 42 होगा। तो 42 25 होता है 65 का, ठीक है। ये 42 25 से ज्यादा है, इसका मतलब 68 होगा इसका वर्गमूल। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जो 46 24 था उसका वर्गमूल क्या लगा देंगे, 68 हो जाएगा, 68 होगा, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो सवाल का हमारे राइट आंसर होगा। जैसे WW कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे 32 है, 32 गुणा में 24 होगा। वैसे 24 से गुणा कर ही लेते हैं ना, 24 गुणा 48 हो जाएगा। और फिर आगे क्या कर पाएंगे, यहाँ 4 बचा, 24 का यहाँ पे 3 बढ़ जाएगा, तो 72 72 76 होगा।
और फिर 68 को बाई ओर लाएंगे, इधर आएगा 68 होगा माइनस में बराबर में एक्स होगा। अगर 768 में से 68 घटाएं कितना आएगा, 700 आएगा। तो 700 क्या होगा, सवाल का सही उत्तर होगा एक्स का जो मान आएगा वो 700 होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 700 उत्तर लिखा जाएगा। तो आपका कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा 4 में 700, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड, आपके सवाल का राइट आंसर होगा जो कि 700 लिखा गया है। ये थी सवाल दोस्तों। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न भी एक अच्छी सवाल है जो कि आपको हल करना है। यहाँ पे लिखा है रूट स्क्वायर रूट के अंदर ही 157 है माइनस में, फिर स्क्वायर रूट के अंदर ही 152 लिखा गया है, प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर ही वहीं पे 289 लिखा गया है। इसको हम लोग हल करेंगे, हल कर कितना उत्तर आएगा उसको दिखाते हैं करके तुरंत आप, ठीक है। तो कुछ ये होगा सवाल, आगे मैं कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं पहले एक बार, 157 है माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर 152 हो जाएगा, ठीक। प्लस में यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 289 लगा, तो 289 का वर्गमूल क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे निकाल के रखते सीधा सीधा। अभी आपको 289 वर्गमूल पता होगा, लेकिन फिर भी मैं निकाल के इसलिए सिखा रहा हूँ जिससे आप तरीके को जान जाओ कई बार लगाने पर। 289 होगा, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे सीखेंगे फिर से एक बार। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 किसके, देखिए 9 किसका वर्ग होता है ना, किस संख्या के वर्ग का इकाई 9 होगा, तो 3 × 9 होगा पहली बात, और 749 होगा वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 का वर्ग जो होगा 49 होगा, इसका वर्ग का इकाई 9 है इसलिए हमने 7 को चुना है। 3 का वर्ग का इकाई जो होगा 9 होगा इसलिए मैंने 3 को चुना है। आगे एक संख्या को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे 2 किसके वर्ग के करीब की संख्या है, तो 1 का वर्ग होगा 1, इसी के नजदीक का मानेंगे हम लोग, 2 का वर्ग 4 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो उत्तर इसका 13 आएगा, ये तो 17 आएगा, तो वैसे मैं कहूँगा इसका उत्तर कितना आएगा, 17 ही आएगा, फालतू का पैसा नहीं होंगे, ठीक। आगे बढ़े तो क्या मिलेगा हम लोग को, 157 लिखा ही गया है, ठीक। माइनस में यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और अगर आपको जानकारी के लिए बताऊं तो रूट रुकिएगा, 157 होगा माइनस में, इसका जो वर्गमूल होगा वो 13 हो जाएगा 169 का। और फिर आगे हल करें तो कितना बन जाएगा, देखिए इसको घटा दीजिएगा, इसको आप अगर घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 3 में से, यहाँ पे 7 में से 3 घट जाएगा 4 होगा, और फिर यहाँ पे 5 में से 1 घटेगा 4 होगा, 144। 144 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 12। इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा कितना आएगा, 12। 12 कहीं ही ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपको, हो गया थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आपके सवाल का राइट आंसर होगा जो कि 12 लाया है, ठीक है। ये लगे हमारे पास सवाल है, हम लोग 5 सवाल लगा चुके हैं, 5 और बची हुई है जिसमें 6वें सवाल पे पहुंच चुके हैं। 6वें सवाल को थोड़ा देखना पड़ेगा, 6वें सवाल थोड़ा हल्की रीजनिंग से संबंध में है, फिलहाल मैथ में मैंने इसको लेके आया है, कोई दिक्कत नहीं है, हल करेंगे यहाँ भी। और इस सवाल में लिखा क्या है उस बात को आपको समझाता हूँ। यहाँ पे है नंबर, पहले देता हूँ 2 है एक नंबर, 2 × 6 है, और फिर 2 × 6, फिर 12 है, और फिर 20 है, ठीक है, और फिर 29 है, और फिर इसके बाद 42 है, और फिर यहाँ पे कितना है, 56 है, ठीक। यहाँ पे इतना सा इतना नंबर लिखा गया है, ये सारे डिजिट ऐसे संख्या लिखी गई थी। वैसे कह रहे असंगत संख्या कुछ नहीं है, ऐसी कौन सी संख्या इसमें रखी गई है इन क्रम में जो असंगत है, जो गलत है, जिसको नहीं रखना था, जिसको हटाना चाहिए, यहाँ पर जो गलत तरीके से रखा गया होगा उसी को आपका चुनाव, उसी को आपको चुनाव करना है, ठीक है। करते हैं सवाल में, देखिएगा यहाँ पे जैसे 2 में कुछ 2 और 4, 2 और 6 का क्या संबंध है इसमें, प्लस में 4 ऐड किया गया है, 2 + 4 = 6, 4 जोड़ा गया है। अब 6 से कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर देखिए 6 जोड़ेंगे, 6 में 6 जोड़ेंगे तब क्या हो गया है, 12 हो चुका है। अब यहाँ पर 12 में कितना जोड़ा गया है, 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 हो गया है। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या जोड़ना होगा, आप इसको जानिएगा, जैसे 4 जोड़ा 6 हुआ, 4 × 2 = 6, 2 जोड़ेंगे, 2 और बढ़ाएंगे तो 6 जुड़ेगा, ठीक है। 6 में और 2 बढ़ाएंगे तो 8 जुड़ेगा, 8 में 2 और बढ़ाएंगे कितना होगा, यहाँ पे 10 जुड़ना था, और फिर यहाँ 10 के बाद क्या होगा, यहाँ 12 जुड़ेगा, यहाँ फिर क्या होगा, 12 से कितना जुड़ेगा, 14 जुड़ेगा। ये हमारा क्रम बनने वाला है, जहाँ तक यहाँ तक जो लग रहा है यही क्रम बनेगा, ठीक है। ऐसे 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20 होगा, 20 + 10 यहाँ कितना हुआ था, यहाँ 30 होना था। अगर यहाँ पे हम लोग 20 + 10 = 30 कर देंगे
यहाँ अगर हम लोग 30 कर दें तो क्या होगा, 30 और 12 42, और 42 और 14 कितना होगा, 56 होगा, आगे क्रम पूरा सही बन जाएगा। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है सवाल में कि 29 जो था वो गलत डिजिट लिखा गया, तो असंगत युग्म क्या लिखा जाएगा, जो गलत संख्या लिखी गई थी वो क्या होगी, 29 होगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपके सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि 29 बता रहा है कि गलत संख्या लिखी गई है, ये ऐसे हम लगा पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न नंबर हमारे पास मिला 7 पर, 7वें प्रश्न की ओर हम लोग करने वाले हैं। 7वां प्रश्न क्या लिखा गया है, कोई मनुष्य है अपनी आय का यहाँ पर 25% भोजन पर, और फिर 15% क्या हो रहा है, कहाँ पर खर्चा कर रहा है, वो किराए पर खर्च करता है, उसके बाद भी उसका 3700 रुपया बच जाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है, इसी को हल करना है। तो करते हैं सवाल को सॉल्व, है ना। यहाँ पे लिखा है कि कोई मनुष्य अपनी आय का 25% कहाँ खर्चा कर रहा है, भोजन पर, और फिर 15% कितना हो रहा है, कहीं किराए पर खर्चा करता है, उसके बाद भी उसका 36 रुपया बच जाता है उसकी क्या निकालना है, फिर मासिक आय निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग पहले सबसे पहले इसका हम बचत निकाल लेते हैं, इसका 25% खर्चा हो रहा है भोजन पर, है ना, प्लस में 15% किराए पर, कितना खर्चा हो गया टोटल, यहाँ पे इसका खर्चा हो गया 25, यहाँ पर 5, 30, 10, यहाँ पे कितना होगा 40 हो जाएगा, तो 40% कहाँ इसका पूरा खर्चा हो रहा है, तो कुल खर्च जो हो रहा है इसके पास वो कितना हो चुका है, कुल खर्च जो है वो हमारे इसका जो हो रहा है वो 40% हो रहा है। ठीक है, तो हम इसका क्या मान निकालेंगे, मान निकालेंगे तो मासिक आय बराबर क्या होगा, आय बराबर 100 होगा बट्टा में 100 माइनस में खर्चा कितना होगा 40% हो रहा है, गुणा में 40, यहाँ पे इतना करेंगे ना, 100 बट्टा में 100 माइनस 40 होगा, गुणा में बचत कितना किया गया इसके द्वारा 3600 के द्वारा किया गया। ऐसे सवाल हम लोग पहले लगाए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट पे, वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फिर से अभी। ठीक है, 100 होगा बटा में 100 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 60 होगा, गुणा में होगा 3600 होगा। ठीक है, इतनी सी बात हो चुकी है, यहाँ पे 6 से कटेगा, तो देखिए यहाँ पे 8 और 1 0 6 0 कहीं से भी काट दीजिएगा, एक कट गया मान लो, 6 से 36 6 मार जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 से 00 ये मिलेगा, 10 ये मिलेगा, मतलब 6000 आ जाएगा, तो उसका जो मासिक आय था वो कितना होगा, वो 6000 होगा। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो कितना है ना, 6000 होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह देंगे हल है। ठीक है, इसका आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, दो संख्याओं का योगफल यहाँ 36 है, उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या उनमें से क्या होगी। बड़ी आसान सवाल है, इसको कर जाएंगे हम लोग, देखिए आसानी से, इसमें बहुत बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं छिपा है। दो संख्याओं का योगफल 36 है, मान लेंगे पहली संख्या x, दूसरी संख्या वाई में मान रहा हूँ, यहाँ पे संख्याओं को x और y माना जाएगा। ठीक है, हम लोग x में से y घटाएं तो x प्लस वाई, अच्छा योगफल दिया तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दूसरा क्या, अंतर कितना 6 है, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे, इसको हल कर लीजिएगा दोनों समीकरण को, यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है, संख्या घट के 0 हो जाएंगी, एक्स एक्स क्या बन जाएगा, 2x बराबर है 36, से कितना होगा यहाँ पे 42, एक्स आगे कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 42 में आएगा कितना, 21 होगा, x का मान 21 आ चुका है। अब y का मान निकाल लीजिएगा, फिर y का मान निकाल के दिखाता हूँ, x का मान कहीं रख दीजिएगा, अच्छा x का मान अगर यहाँ 21 है, 21 में यहाँ पे कितना ऐड कर दे कि 36 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा, यहाँ 9 और 6 15 होगा, तो यहाँ y का जो मान आएगा वो 15 हो जाएगा, 15 21 को ऐड कीजिए, 5 6 2 3 हो जाएगा ना, मतलब 36 आएगा, सही बात है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 21 होगी, श्योर है ना, दिख रहा है वैसे ही स्पष्ट है कि यहाँ बड़ी संख्या 21 होगी, वैसे नीचे का जो कुछ भी है वो दिख नहीं पा रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ प्रयास, तो कैमरे को थोड़ा सही कर दूँ फिर कुछ हो जाएगा। ठीक जी, अभी सही होगा, अब सही है ना, अभी क्या है, यहाँ x का जो मान आएगा 21 आएगा, 21 क्या थी आपकी बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 21 जो होगा आपके सवाल का ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, वो सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे आपके पास है एक संख्या, आपने 70% से 27 अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी, सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 को हम लोग करेंगे सॉल्व। 9 में क्या लिखा गया है कि एक संख्या है, संख्या आपने 70% से 27 ज्यादा है, संख्या का जो मान है 70% से 27 ज्यादा है, तो संख्या का 70% निकालते हैं, x का जो मान है वो x के 70% से ज्यादा है, x का 70 बटा में 100 से कितना है,
ये 27 ज्यादा है, इसका मान इससे 27 ज्यादा है, 27 ज्यादा कर देंगे। एक्स का जो मान होगा इसके 70% से 27 ज्यादा था, 27 यहाँ ज्यादा के लिए ऐड करते हैं, कम के लिए घटाते हैं, ठीक है। यहाँ इसको हल कीजिएगा, एक्स होगा यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, यहाँ इसको काटेंगे ये इससे कट जाएगा, ऐसे 7 एकम 7 होगा और 7 एकम 7 x होगा बटा में 10 होगा, बाई ओर लाएंगे तो -7 x बटा में 10 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 27 लिखा गया है, 10 एकम 10 होगा, 10 x में से 7 x कटाएं कितना आएगा, 3 x आएगा, 3 x बटा में 10 बन जाएगा। यहाँ लगाते हैं 3 x बटा में 10 होगा, बराबर में 27 मिलेगा आपको। इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 और 27 9 बन जाएगा, 10 9 90, x बराबर कितना बन जाएगा आपका 90। x का जो मान आएगा वो 90 होगा, मतलब संख्या क्या होगी 90 होगी। ऑप्शन नंबर 3 सवाल का सही उत्तर है, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 10वीं सवाल मुझे मिलेगी और 10वीं सवाल को हम लोग करने वाले हैं हल। देखिए 10वीं सवाल सबसे हटकर है, यहाँ पर कहें तो क्षेत्रमिति से आ गया है या क्षेत्रफल वगैरह से आया हुआ है, आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंध में है। तो मैं पढ़ रहा हूँ क्या है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई है, उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि भूखंड का क्षेत्रफल 2700 वर्ग मीटर हो तो लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे कह रहे हैं लंबाई का जो मान है वो उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई का मान हमको पता है क्या है, चौड़ाई की 3 गुने। हम लोग क्या करने वाले, भी चौड़ाई को मान लेंगे। अगर चौड़ाई क्या हो जाए x हो गई हो तो लंबाई का मान क्या होगा, तो लंबाई का मान तो ऑलरेडी कह रहा है क्या, चौड़ाई की कितनी होगी, 3 गुनी होगी। चौड़ाई का मतलब x था, x से क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे, 3x बन जाएगा। इतना हो चुका है ना, हम लोग इतना माने, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ कहा है सवाल ने कि अगर लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई का 3 गुना है, तो चौड़ाई हम मानेंगे x, x का 3 गुना कर देंगे, वही क्या होगी आपकी लंबाई होगी। तो आप जानते हो ना आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा में क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल का मान आपको दिया है 2700, तो लंबाई और चौड़ाई गुणा कर देंगे, x 3x है ना, क्या लिखा गया फिर से लिखते हैं, 3x था लंबाई और x था चौड़ाई, इसको गुणा कर देंगे कितना मान आएगा, जो मान है वह क्षेत्रफल होगा जो कि ऑलरेडी 2700 दिया गया है। तो 3 का x से गुणा कर दीजिएगा, 3x का, 3x का x से x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 2700 लिखा गया है, 3 से भाग कर देंगे, 3 और 27 9 बार जाएगा तो आपका 900 आएगा। तो x का यहाँ वर्गमूल ले लीजिए कितना आएगा, 900 का जो वर्गमूल आएगा कितना बन जाएगा, वो 30 होगा ना, x का मान आएगा कितना, 30 हो जाएगा। अगर x का मान 30 है तो पूछा कि आपसे लंबाई पूछा, लंबाई का मान क्या था, x का 3 गुना था, x का मान 30 है, 30 का 3 गुना 30 किया कितना होगा, 90 होगा। इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, 90 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बता रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस तरह से अच्छे से सवालों को लगाए हैं, आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो आप वीडियो में जाके कमेंट कीजिए और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे अगली क्लास में आकर। यहाँ तक में क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप तब तक के लिए खूब अच्छे से अपने CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद।